आज ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ पहला वनडे मुकाबला। मैच से पहले कल टीम इंडिया ने मैदान में जमकर बहाया पसीना। मैच से पहले कप्तान धोनी ने टीम इंडिया को किया सावधान, कहा बांग्लादेश को हल्के में ना ले खिलाड़ी। धोनी ने कहा बांग्लादेश के खिलाफ उतारेंगे बेस्ट 11। बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की है वनडे सीरीज। बारिश की आशंका को देखते हुए हर मैच के लिए रखा गया है रिजर्व डे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में टीम इंडिया का दमदार रिकॉर्ड, 29 मैचों में 25 जीते, 3 में मिली हार, 1 का नतीजा नहीं। बांग्लादेश में हुए 19 मैचों में से 16 मैचों में भारत ने दर्ज की है जीत। आज तक से इंटरव्यू में ललित मोदी के खुलासे से बढ़ी बीजेपी और सरकार की मुश्किलें। मदद के साथ लंदन में सुषमा से मुलाकात का दावा। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा का भी लिया नाम। ललित मोदी मामले पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से फोन पर की बात। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि वसुंधरा खुद साफ करें अपना रुख। ललित मोदी विवाद में हुए नए खुलासे में सुप्रीम कोर्ट के एक दिवंगत पूर्व जस्टिस का आया नाम। लंदन में रहने के लिए दी थी कानूनी मदद। ललित मोदी को बताया था राजनीति का शिकार। ललित मोदी के हमले के बाद मीडिया से मुखातिब हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम। छोड़े 7 सवालों के तीर। चिदम्बरम ने किए यूपीए सरकार का बचाव। बोले सर सरकार नहीं, ईडी जारी करता है नोटिस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सुषमा पर किया हमला, कहा जब विपक्ष में थी विदेश मंत्री तब भी थे कानून के भगोड़े से संबद्ध। ललित का पासपोर्ट रद्द होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के रुख पर भी उठा सवाल। हाईकोर्ट ने पासपोर्ट रद्द करने के फैसले को किया था खारिज। ईडी ने फैसले के खिलाफ नहीं की अपील। उद्धव ठाकरे ने कहा ललित मोदी अपराधी हैं तो पहले उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बोले वो विदेश में मजा कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा 1008 करोड़ रुपया विदेश कैसे भेज दिया गया, आखिर उस वक्त क्या कर रहे थे वित्त मंत्री। बोले जहां शहद होगा वहीं आएगी मधुमक्खी। हम नहीं रहा सुषमा स्वराज, ललित मोदी विवाद। बेंगलुरु में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में भी सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, सुषमा का के खिलाफ किया प्रदर्शन। भोपाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन, सुषमा से मांगा इस्तीफा। दिल्ली में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। एक बार फिर एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे राहुल, जंतर मंतर पर सफाई कर्मचारियों के लिए उठाई आवाज। राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों को बताया दिल्ली की सेना, कहा यह लड़ाई वेतन की नहीं इज्जत की, मांगे मनवाकर ही दम लूंगा। दिल्ली में आपके हाथ बनते हैं, आप इस शहर को साफ रखते हो, आप सफाई कर्मचारी नहीं हो, आप दिल्ली की सेना हो, आप हिंदुस्तान की सेना हो। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में फिर दिखा शरद पवार का दबदबा। एक बार फिर अध्यक्ष पद पर किया कब्जा। प्रतिष्ठा के चुनाव में पवार ने अपने विरोधी विजय पाटिल को 27 वोटों से हराया। पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर चुने गए एमसीए के नए अध्यक्ष। जीत के बाद शरद पवार ने कहा मुंबई क्रिकेट की बेहतरी के लिए हम एकजुट होकर करेंगे काम। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट जल्द। सभी विधायकों पर कुल 44 आपराधिक मुकदमे दर्ज। सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी चार्जशीट संभव। केजरीवाल पर 6 मामले, 2 गैर जमानती। जुलाई के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा हमारी कोशिश यही है कि जो भी केस पेंडिंग है उसमें जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल हो। अगर कोई भी इस प्रकार के केसेस जो पेंडिंग हैं उन पे हमारा उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर वो 67 के खिलाफ भी करें, 167 के खिलाफ करें, आम आदमी पार्टी के 1067 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने का प्रयास और कोशिश करें,
तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की पुलिस है। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में नहीं मिला कोई रिकॉर्ड, बुधवार को बुंदेलखंड लेकर गई थी दिल्ली पुलिस। बिहार में विधानसभा चुनाव पर लालू प्रसाद यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले कुछ लोग नहीं चाहते थे लालू और नीतीश का गठबंधन, हमने बता दिया अपना सीएम उम्मीदवार, अब ऐलान करे बीजेपी। प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप, इससे मिलेगा पीएम के हर दिन के दिनचर्या की पूरी जानकारी। महाराष्ट्र सदन घोटाले में फंसे एनसीपी नेता छगन भुजबल पर दो और केस दर्ज, ईडी ने दर्ज की थी दो ईसीआईआर, कई और आरोपियों पर भी मुकदमा। भुजबल ने एसीबी और सरकार पर लगाए आरोप, कहा बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश, कानूनी जंग लड़ने की दी चुनौती। आईएसआईएस के आतंकी भारत में कर सकते हैं आतंकी हमला, आईबी ने जारी किया अलर्ट, आईबी के मुताबिक भारत में हो सकता है आतंकी हमला, सभी राज्यों को सावधान किया गया। मदर डेयरी दूध के सैंपल की कोलकाता की लैब में दोबारा होगी जांच, खाद्य विभाग ने फिर भेजे कलेक्शन पॉइंट के लिए सैंपल, पहले भेजे गए दोनों सैंपल्स हुए थे फेल। मदर डेयरी ने डिटर्जेंट के आरोपों को किया खारिज, कलेक्शन सेंटर के दूध से पैकेट बंद दूध की ना करे तुलना, मदर डेयरी पैकेट का दूध 100% सुरक्षित। बीकानेर में सूरतगढ़ के पास बुलेरो से टकराने के बाद ट्रेन के इंजन में लगी आग, हादसे में 3 की मौत, कालका बाड़मेर एक्सप्रेस से टकराई थी बुलेरो गाड़ी, हादसे के कारण कई घंटे तक फंसे रहे यात्री। यूपी के हापुड़ में एक युवती के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों का डीएम एडीएम दफ्तर में हंगामा, डीएम एडीएम और एसडीएम कार्यालय में की तोड़फोड़, लड़की के पिता ने की आत्मदाह की कोशिश। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक निजी बैंक की ब्रांच से 1 करोड़ के नकली नोट बरामद, बैंक ने खुद दर्ज कराई थी शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 1700 करोड़ के जमीन घोटाले में फंसे पूर्व कपड़ा मंत्री शंकर सिंह वाघेला, टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की जमीन को कौड़ियों के भाव बेचने का आरोप, वाघेला समेत 6 लोगों पर केस दर्ज। यूपी में जालौन और हमीरपुर के बीच बेतवा नदी पर बनाए 14 अवैध पुल 3 दिन के अंदर गिराए जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश, एक जनहित याचिका पर सुनवाई पर अदालत ने सुनाया फैसला। यूपी के सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर मजाक, बरेली में पेट के ऑपरेशन के बाद मोबाइल की रोशनी में लगाए गए टांके, सीएमओ ने जांच के दिए आदेश। बांदा में एक बुजुर्ग को जिंदा जलाने के मामले में अब तक आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी, पुलिस पर एसपी विधायक विशंभर यादव को बचाने का लगा आरोप। झारखंड के बोकारो में 62 साल के शख्स ने की एक नाबालिग लड़की से जबरन शादी बचाने की कोशिश, मंडप से सीधे पहुंचा हवाला। आजमगढ़ में फर्जी रेल टिकट रैकेट का भंडाफोड़, आरपीएफ ने एक ही नाम से कटे 5 टिकटों के साथ एक दलाल को दबोचा। बिलासपुर में रेल मुसाफिरों से लूटपाट, दुर्ग से अजमेर जाने वाली ट्रेन की 5 बोगियों में घुसकर लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने की खुदकुशी, घर घर जाकर आदिवासी बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए छेड़ा था अभियान। चेन्नई में निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन में हादसा, लोहे का रॉड गिरने से एक इंजीनियर की मौत। अमेरिका के ओहायो में अश्वेत महिलाओं पर पुलिस के ऑपरेशन की वीडियो हुई वायरल, पुलिस की जाब्ती की तस्वीरों के बाद अमेरिकी पुलिस पर रंग भेदी कार्रवाई का लगा आरोप। इटली में पुलिस ने जब्त की 4 टन कोकेन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोकेन की कीमत $1.13 बिलियन, ड्रग रैकेट से जुड़े दर्जन भर लोग गिरफ्तार। मिस्र में 2 साल बाद खुला कायरो मेट्रो स्टेशन, तहरीर स्क्वायर के पास मेट्रो स्टेशन, हॉस्नी मुबारक के खिलाफ आंदोलन के वक्त सुरक्षा कारणों से हुआ था बंद।
उरुग्वे में इजरायली दूतावास के पास बम की अफवाह से मची अफरा तफरी। सुरक्षा एजेंसियों की कई घंटों की मशक्कत के बाद झूठी निकली अफवाह। ब्रिटेन के सलिसबरी प्लेस में भारत और ब्रिटेन की सेनाओं ने किया संयुक्त अभ्यास। प्रोजेक्ट को नाम दिया गया अजय वॉरियर। भारत की कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान ले रहे हैं हिस्सा।